ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने निर्णय लिया है कि वे सप्ताह में एक बार घर खरीदारों के साथ मुलाकात करेगी। ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यह फैसला लिया है कि वे सप्ताह में एक बार सभी घर खरीदारों के साथ ओपन हाउस सेशन व्यवस्थित करेगी। 5 जून की बोर्ड मीटिंग में निर्णय लिया गया था कि ओपन हाउस सेशन उद्योगपतियों के लिए मंगलवार को रखा जाएगा, जिसमें उद्योगपतियों से उनके जमीन की सारी जानकारी ली जाएगी। बैंक अकाउंट को डीफ्रीज करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदर्श सोसाइटी की याचिका को खारिज कर दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट के एक बड़े फैसले में दक्षिण मुंबई में स्थित आदर्श हाउसिंग सोसाइटी की एक याचिका को खारिज कर दी है। करीबन 1.5 करोड़ रुपए के अपने 2 खातों को डीफ्रीज कराने की मांग को बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्वासित कर दिया है। हाईकोर्ट का यह मानना है कि अकाउंट में पड़े पैसे बेनामी लेन देन का हिस्सा हो सकते हैं। GNIDA का नया प्रस्ताव, घर खरीदारों द्वारा अग्रिम भुगतान की नई योजना। ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने समक्षों के मुकाबले अलग रास्ता चुन रहा है। GNIDA भूमि आवंटन के लिए नई योजना बना रहा है, जिसके संबंधित संपत्ति के लिए अधिकतम भुगतान करने वालों को रकम की पेशकश की जाएगी। मौजूदा दौर में यदि कोई ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से घर खरीदता है तो घर खरीदार को 5% देने पड़ते रजिस्ट्री के टाइम पर और 5% देने होते आवंटन पत्र जारी करने के समय। छोटे घरों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए चेन्नई में डेवलपर्स बना रहे अफोर्डेबल हाउसिंग। छोटे घरों की डिमांड चेन्नई में बढ़ रही है, जिसके चलते डेवलपर्स का सारा ध्यान अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने में है। पिछले साल के मुकाबले इस साल किफ़ायती घरों के प्रक्षेपण में उछाल देखा गया है। पिछले साल जहां 102 किफ़ायती घरों का प्रक्षेपण हुआ था, वहीं पर इस साल 124 किफ़ायती घर डेवलपर्स ने बनाए हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 631 करोड़ रुपये की कटौती करी अपने सालाना बजट में। बीजेपी सरकार के राज्य में सत्ता में आने के बाद GNIDA की पहली बैठक में यह फैसला हुआ है कि ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का सालाना बजट होगा 6,443 करोड़ रुपए, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 631 करोड़ रुपए कम है। पिछले साल ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का बजट था 7,774 करोड़ रुपए।